नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जी, आपको बता दें, ममता बनर्जी की मुख्य सलाहकार आलापन बनर्जी को लेकर केंद्र बंगाल सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यास तूफान से हुए नुकसान के रिव्यू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बैठक की। इस बैठक में ममता नहीं पहुंची। बैठक से गायब होने की जो वजह उन्होंने बताई वो झूठी है। धनखड़ ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने 27 मई को रात 11:15 बजे मुझे मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ, अर्जेंट है। ममता ने फोन पर इस बात के संकेत दिए कि पीएम की मीटिंग में वो और उनके अधिकारी नहीं जाएंगे। जनता की सेवा के ऊपर उनका अहंकार हावी हो गया। झूठी बातों से मजबूर होकर मैंने पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया है। ममता बनर्जी ने सोमवार को मोदी को खत लिखा था। उन्होंने कहा कि आपने बैठक का स्वरूप बदल दिया, आपने गवर्नर और कुछ केंद्रीय मंत्री को बैठक में बुलाया, इसका मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन आपने बैठक में अपनी पार्टी के स्थानीय विधायक को बुला लिया, इसका मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। पीएम और सीएम की बैठक में एक लोकल विधायक का होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।